करेंगे। नेक्स्ट फिरोजपुर, कुल वोटर ने थे 16,57,131। बिल्कुल, जेकर मेल वोटर का जिक्र करिए 8,73,684 वोटर ने, फीमेल वोटर 7,83,000 के करीब ने, ट्रांसजेंडर वोटर 81 ने। फिरोजपुरगढ़ सरहदी इलाका है गगन, ये इलाका एक तरीके नाल किया जाता है कि मालवा पट्टी का कोने वाला इलाका, क्योंकि ये फरीदकोट के नाल लगता है। इस तो अलावा इस जेकर सरहदी इलाके की बेल्ट के जिक्र करिए फाजिलका भी इस ही पैदा, तो जलालाबाद भी नाल ही पैदा। बिल्कुल, कुल वोटर 16,57,000 ने, 16 लाख के करीब वोटर डिसाइड करेंगे कि फिरोजपुर तो कौन एमपी होगा। पर जेकर वोट फैक्टर दे नजर मारी गगन, वोट फैक्टर दलित वोट जो है बड़ा आधार है, मजबूत आधार है, रायसिक बिरादरी एक वक्रा फैक्टर है आशीष। बिल्कुल, दलित वोट जो वड्डा आधार इसलिए है क्योंकि वो फरीदकोट दे नाल भी है, बठिंडा दे नाल भी है। जेडी बठिंडा मालवे दी जेडी बठिंडा संगरूर फिरोजपुर ते फरीदकोट है, ओ तकरीबन दलित उत्थे काफी आधार, अरोड़ा ते कंबोज बिरादरी। शहरी फिरोजपुर का जो शहरी वोटर है वह अरोड़ा बिरादरी तो काफी ज्यादा है, कंबोज बिरादरी तो काफी ज्यादा है। जेकर जिक्र करिए, वार बार कह रहे हैं दलित वोटर काफी ज्यादा है। हाँ। 9 विधानसभा हल्के ने गगन। बिल्कुल, 9 विधानसभा हल्के, 9 विधानसभा हल्के दे विच फिरोजपुर शहरी है, फिरोजपुर देहाती है, हल्का गुरुहर सहाय है, जलालाबाद फाजिलका मुक्तसर साहब मलोट ते बलवाणा दे बोहर ये विधानसभा हल्के ने, ते 9 विधानसभा हल्के ने। बिल्कुल, हालांकि जेकर देखा जाए तो फिरोजपुर शहरी, फिरोजपुर देहाती, जलालाबाद ते फाजिलका इतने जेकर जिक्र करिए आप जिमें जिक्र किया अरोड़ा बिरादरी कंबोज बिरादरी, तो इन्हों हल्कों काफ़ी ज्यादा है। फिरोजपुर शहरी च अरोड़ा बिरादरी काफ़ी ज्यादा है, और जेकर दलित वोट बैंक की गल करिए मुक्तसर साहब मलोट इन्हों इलाकों से दलित वोटर का काफ़ी आधार है, यानी कि दलितों का काफ़ी काडर मजबूत है। बिल्कुल, मुक्तसर साहब जो है 40 मुक्तियां की धरती भी इसको कहा जाता है, इतने भी जो है एक धार्मिक स्थल के वजह भी एक वक्री जो है पहचान रखता है भी। फिलहाल फिरोजपुर 2019 के सुखबीर सिंह बादल जिन्होंने मैदान उतारे गया से उन्होंने जित भी हासिल की, और शेर सिंह घुबाया करारी शिकस्त दिती सी। बिल्कुल, हालांकि गगन जेकर देखा जाए फिरोजपुर हलका भी हॉट सीट कहा जाता है क्योंकि सुखबीर सिंह बादल इतों इलेक्शन लड़ते हैं, तो वोटों का जिक्र करिए 6 लाख पार आंकड़ा है गगन, काफ़ी आंकड़ा है, यानी कि सुखबीर सिंह बादल जो कि एक सैलीब्रिटी के तौर पर उभरते हैं पॉलिटिशियंस, यानी कि उन्होंने जो आधार है फिरोजपुर हल्के काफ़ी ज्यादा, हालांकि उन्होंने एक बार फरीदकोट तो भी इलेक्शन लड़ी थी। 6,33,000 उन्होंने वोटा पाई, शेर सिंह घुबाया 4,34,000 रुपया, तकरीबन 1,98,000 का फर्क है, यानी कि तकरीबन 2 लाख वोटा का फर्क है, 2 लाख वोटा का काफी मायने रखता है, बहुत बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, यानी कि सुखबीर सिंह बादल इतों अपना बहुत पक्का दावा ठोक देने, ये सारे क्वेश्चन मार्क ने हाले किसी ने पत्ते नहीं खोले। बिल्कुल, अपने पत्ते जरूर नहीं खोले, पर एक तुहानू जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा, वार वार दर्शकों को भी मैं दसना चाहना है कि सुखबीर सिंह बादल पहला ही कह चुके ने कि वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पर जेकर वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो अकाली दल किसनों उम्मीदवार बनाता है कि वड्डा सवाल है, तो आम आदमी पार्टी लिए भी वड्डा चैलेंज है क्योंकि उन्होंने सरकार है, फिरोजपुर तो कौन कैंडीडेट हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 9 कैंडीडेट अनाउंस करते 4 सीटा ते रह गए, और बीजेपी ते कांग्रेस इन्हां लिए भी वड्डा चैलेंज है कि शेर सिंह घुबाया ओ वापस इलेक्शन लड़नगे। हाँ। कांग्रेस तो और बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, इस बार बीजेपी लिए चुनौती है कि राणा गुरमीत सोढी, क्योंकि वो कांग्रेस तो बीजेपी जरूर चले गए। हाँ। और फिरोजपुर तो दावेदारी भी ठोक रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़नगे।